हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज जा रही हूँ मैं टाना मंदिर। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ, तो इसी बात पे हम जा रहे हैं आज टाना मंदिर अपने क्लासमेट के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं टाना मंदिर, मंडी में है जो। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने रूम में, तो चलिए चलते हैं। रूम में लगा लिया है ताला, तो चलते हैं अब टाना मंदिर। सामने जो दिख रहा है आपको, तो वहाँ है भीमा काली टेम्पल, जो मंडी का बहुत ही फेमस टेम्पल में से एक है। मंडी में काफ़ी ऐसी जगह है जो मैंने अभी तक नहीं देखी है, अभी देखना बाकी है। अभी तो 2 साल यहीं पे रहना है। वेदर भी आज काफ़ी अच्छा है और वैसे भी होली आने वाली है, अब तो घर भी जाना है होली मनाने। ये रहा खूबसूरत सा पार्क और इसी के साथ में है ये पार्किंग और ये रहा भीमा काली टेम्पल। इसके अंदर हम दिखाएंगे आपको कुछ अगले ब्लॉग में, अभी फ़िलहाल जाना है हमें टाना मंदिर। तो यार बहुत ही धूप है आज तो, इस गर्मी तो अभी से स्टार्ट हो गई है, अभी तो पता नहीं क्या होने वाला है। ट्रैफिक, बाप रे आज क्यों लगा है ट्रैफिक। बहुत बड़ी लंबी लाइन है ट्रैफिक की आज तो। हमें क्या है, हमें तो पैदल ही जाना है। ये रहा मंडी का गुरुद्वारा, अभी तक ट्रैफिक है, बाप रे थोड़ा थोड़ा सा बच गए यार। गाइस पसीना इतना ज़्यादा हो गया कि मास्क के अंदर से भी टप टप हो रही है। अभी पहुंच चुकी मैं मंडी बस स्टैंड, तो अभी यहाँ से इंदा मार्केट शायद 10 मिनट तो लग ही जाएंगे पहुंचने के लिए। काफ़ी धूप है आज तो, साथ ही में है यहाँ पे पटेल मैदान, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। यहाँ पे लगा है अभी शिवरात्रि का मेला। तो अभी मेला तो ख़त्म हो गया बट ये दुकानें कुछ टाइम तक रहेगी यहाँ पे। ये रहा बस स्टैंड, पहुँच गया मुंद्रा मार्केट। अब वीरेंद्र पता नहीं कहाँ होगा, दिख तो रहा नहीं है। ये सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बाप रे लगता है अभी 1000 सीढ़ियाँ तो चल बैठी होगी। मैं सांस भी इतना फूल गया, वो शायद हम पहुँच गए हैं। ठीक है।
बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। शंतम हो गए हमारे पूरे ख़त्म, तो अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो चलिए बाहर ही चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या है। अब चलते हैं कुछ खाना खाने, काफ़ी भूख भी लग रही है, शाम के 4 बज चुके हैं, तो चलते हैं कुछ खाने। तो फाइनली अभी इंदिरा मार्केट में हूँ, खाने ही जाना है। Should not do this, I've been shy. कितना वेट करे और So, हम हैं अभी शिवरात्रि में, शिवरात्रि मेला लगा हुआ है। मेले में घूम लेती हूँ थोड़ा सा सामान भी ले लेती हूँ, कल घर जाना है। शॉपिंग हो गई, अब चलते हैं रूम। काफ़ी लेट भी हो गया है, मतलब टाइम क्या हो रहा है, 6:45 हो रहे हैं, तो चलते हैं अब रूम, खाना भी बना। ये टंटना, ये रही मेरी शॉपिंग। तो ये मेला तो काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, चलिए चलते हैं रूम। सो गाइस, अभी तक देख सकते हो आप पीछे अभी तक ट्रैफिक रुका नहीं है, सिर्फ मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है यहाँ मंडी में। आपको एक बात बता दूँ, मेरा ये ब्लॉग इतना देर के बाद आने का कारण ये है कि मैं MSc करने यहाँ पे मंडी में आ गई हूँ, और पहले नई जगह में आना बहुत मतलब बहुत ही बेकार होता है, मतलब मेरी फीलिंग्स तो बहुत ही बेकार रही, यहाँ तक कि मैंने MSc ड्रॉप करने का भी सोचा था। तो फिर भी नहीं यहीं पे रह सोचा यहीं पे रह ले। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मन लग चुका है यहाँ पे, और बस अब MSc पूरी कंप्लीट करनी है, फिर ही यहाँ से जाना है अच्छे से। तो इसीलिए ना ब्लॉग आ पाए और ना ही मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर पाई, पर अब पूरा 100% है कि मैं अपनी ब्लॉगिंग कंप्लीट करूँ अच्छे से, जो कि मेरा पैशन है। तो गाइस, आप मेरा साथ इसी तरह देते रहना और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करते रहना। अरे खा ले गए,
अरे डॉगी का नाम क्या है? आगे जाना, आगे खेलो जरा इससे। नहीं खेलते? ओह माय गॉड, चलो चलो आगे हमारी फ्रेंड की डेथ होगी। कहाँ है आप लोगों का घर? कहाँ पे? भिवली। भिवली तो ये है ना, कहाँ आगे? ओ इतनी आगे। अच्छा सो गाइस, अब मैं पहुंच ही गई हूँ अपने रूम के पास। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे करना है लाइक, शेयर और कमेंट, जो कि काफ़ी समय बाद आया ये ब्लॉग। और मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग काफ़ी जल्दी आए, टाइम टू टाइम आए। और बस यही है कि आप हमेशा मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।